तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग इस तरह की आउटरो कैसे बना सकते हैं जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो बहुत ही ओपी लग रहा था गाइस। अगर आप लोगों को ऐसा बनाना सीखना है तो आप लोग वीडियो फुल वॉच करना। और गाइस, मैंने भी इस आउटरो का यूज़ किया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कैसा लगता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, वो भी पता चल जाएगा। तो जो भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक के एम हम लोग रखते हैं 80 लाइक्स का, तो कंप्लीट करा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग अपने पिक्सेल एप्लीकेशन में आ जाना है। और यहाँ पे आ जाने के बाद गाइस, आप लोग को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। और गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट पीएनजी होते हैं वो बनाएंगे। तो जैसे कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो और बैकग्राउंड की बात करें गाइस, तो बैकग्राउंड मैं आप लोग को क्रिएट करके दे दूंगा, आप लोग करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा। और यहाँ पर आ जाने के बाद गाइस, आप लोग यहाँ से लिख लेना है थैंक्स फॉर वॉचिंग, सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोग को एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मैं यहाँ पे उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। पहले इसको मैं थोड़ी सी एडजस्ट करके सेंटर में ले आता हूँ, और उसके बाद गाइस मैं उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, इस फॉन्ट का नाम है JT Grafton। तो आप लोग यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो उसके बाद गाइस, आप लोग को यहाँ से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे आ जाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और उसके बाद गाइस, आप लोग को यहाँ से एक PNG मिल जाएगा, उसे इंपोर्ट कर लेना है। ये PNG को गाइस आप लोग ड्रॉ टूल के अंदर भी बना सकते हैं। तो मैं आप लोग को पहले से क्रिएट करके आप लोग को यहाँ पे दे दिया हूँ। और ये हो जाने के बाद गाइस, आप लोग को यहाँ से ब्लेंड मोड को चेंज कर लेना है और इसको स्क्रीन ब्लेंड मोड कर लेना है। उसके बाद गाइस, आप लोग यहाँ से ओपेसिटी में आना है और इसके ओपेसिटी को डिक्रीज कर देना है। तो गाइस, कम से कम आप लोग को 40 के अराउंड रख लेना है। तो जैसे कि मैं 40 के अराउंड रख लिया हूँ, और उसके बाद गाइस, आप लोग को यहीं सेव कर लेना है। और सेव कर लेने के बाद गाइस, आप लोग को जो वो PNG था उसको कुछ इस तरह से नीचे ले आना है, उसको साइज को डिक्रीज करके। और गाइस, आप लोग को टेक्स्ट वाले पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे सारे टेक्स्ट को इरेज कर देना है। और गाइस, यहाँ पे आप लोग को लिखना है सब्सक्राइब। सो ये हो जाने के बाद गाइस, आप लोग को फिर से इसके थोड़ी साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। और उसके बाद गाइस, जो PNG हम लोग के साइज को जो डिक्रीज किए थे उसको फिर से इंक्रीज कर लेते हैं। और गाइस, इंक्रीज कर देने के बाद गाइस, कुछ इस तरह से यहीं से डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। तो यहीं से आप लोग डाउनलोड कर लेना गाइस, कोई आप लोग को टिक करने की या डन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाने के बाद गाइस, आप लोग अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में आ जाना है। और यहाँ पे आ जाने के बाद गाइस, आप लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद गाइस, आप लोग 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे आ जाना है। उसके बाद गाइस, आप लोग जो बैकग्राउंड मैंने प्रोवाइड कराई थी उसे इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इसको गाइस, आप लोग 20 सेकंड टाइम ड्यूरेशन दे देना है, क्योंकि 20 सेकंड का ही आउटरो रहता है। तो ये हो जाने के बाद गाइस, आप लोग को यहाँ से अपना जो भी मास्कोट लोगो होगा गाइस, या फिर कोई भी कंसेप्चुअल लोगो होगा, उसे इंपोर्ट कर लेना है। तो गाइस, आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि ये किसका लोगो है, मैंने कहीं से उठाया है। तो ये हो जाने के बाद गाइस, आप लोग इसको ओपेसिटी को थोड़ी सी डिक्रीज कर दीजिए गाइस, तो 28 के अराउंड रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 27 या 25 रखूँगा, तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पे 27 रख लिया हूँ। और गाइस, इसके भी साइज़ को पूरा फुल कर लेता हूँ। सो ये हो जाने के बाद गाइस, आप लोग यहाँ से इन एनिमेशन में आ जाना है। और यहाँ से आप लोग को रबर स्टैम्प दे देना है, और उसके टाइम ड्यूरेशन को आप लोग 0.5 कर देना है। उसके बाद गाइस, आप लोग यहाँ पे जब ये लोगो हम लोग का नीचे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाने के बाद गाइस, आप लोग को फिर से एड लेयर पे आ जाना है। और यहाँ पे आ जाने के बाद गाइस, आप लोग को एक और जो पार्टिकल PNG होती है गाइस, वो मिल जाएगी, पार्टिकल वीडियो सॉरी। तो ये इसको इंपोर्ट कर लेना है गाइस। और ये इंपोर्ट कर लेने के बाद गाइस, आप लोग को यहाँ से फुल टू स्क्रीन कर देना है। और यहाँ पे इन एनिमेशन में फेड दे देना है गाइस, और इसके स्पीड को भी 0.5 और 1 के बीच में रख लेना है। और गाइस, इसके ब्लेंडिंग मोड को आप लोग को स्क्रीन कर लेना है। ये करने के बाद गाइस, आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा, और ये गाइस अपने आप फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हम लोग का ये बन चुका है। सो ये हो जाने के बाद गाइस, आप लोग थोड़ी सी मैं इसे आगे कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग दिखाता हूँ, तो गाइस OP लग रहा है एकदम। तो ये हो जाने के बाद गाइस, आप लोग इसके स्पीड को थोड़ा सा और कम कर लीजिएगा, 0.5 पे ही कर लीजिएगा, ताकि हम लोग एकदम जल्दी से आ जाए। और यहाँ पे हो जाने के बाद गाइस, आप लोग को फिर से ऐड लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। और यहाँ पे आ जाने के बाद गाइस, आप लोगों को सबसे पहले एक हम लोग का आउटरो का जो टेम्पलेट होता है गाइस, वो मिल जाएगा, उसको आप लोग यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना है। तो ये आउटरो टेम्पलेट को इंपोर्ट करने के बाद गाइस, आप लोग को मेरा एक वीडियो मिल जाएगी गाइस, वो आप लोग को नियॉन रेक्टेंगल वीडियो है गाइस, इसको आप लोग को इंपोर्ट कर लेना है। और इसके ब्लेंडिंग मोड को आप लोग को स्क्रीन कर देना है गाइस। और स्क्रीन करने के बाद जो हम लोग का टेम्पलेट था गाइस, उसी के हिसाब से आप लोग इसको सेट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ गाइस, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए गाइस, या फिर नहीं भी होगा तो चलेगा गाइस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाइटनिंग स्पार्क आ रही है, तो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। सो इसके बाद गाइस, आप लोग को यहाँ से इसका डुप्लीकेट बना लेना है। और डुप्लीकेट बनाने के बाद गाइस, आप लोग को रोटेट एंड मिनरिंग में आ जाना है, जैसे कि मैं आ चुका हूँ। इसको गाइस, आप लोग को लेफ्ट की ओर रोटेट कर देना है। उसके बाद गाइस, आप लोग को जो लेफ्ट वाला जो टेम्पलेट था उसके हिसाब से आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ,
सो एडजस्ट कर देने के बाद गाइज आप लोगों को फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से गाइज आप लोगों को जो सर्कल वाला नियोन वाला था उसको इंपोर्ट कर लेना है और इसको ब्लेंडिंग मोड को आप लोगों को स्क्रीन कर देना है और गाइज इसको भी आप लोगों को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है जिसकी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो गाइज एडजस्ट कर देने के बाद गाइज जो आउटर टेम्पलेट था उसको डिलीट कर लीजिएगा आप लोग और डिलीट करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हम लोग का लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद गाइज हम लोग जितना भी जो हम लोग का रेक्टेंगल और सर्कल वाला जो न्यून वाला था उसके सारे एनिमेशन को आप लोग को फेड दे देना है गाइज। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ और यहाँ पर फेड दे देने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मस्त लग रहा है हम लोग का एकदम। सो ये हो जाने के बाद गाइज आप लोग जो भी हम लोग का रेक्टेंगल ये सब था उसको आप लोगों को डुप्लीकेट बना लेना है और गाइज उसको कुछ इस तरह से राइट हैंड साइड में इसको स्लाइड करना है गाइज और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है ताकि आप लोग का बाद में भी आ जाए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोग भी सेम वैसे ही कर लेना है। सो गाइज मैं यहाँ पे सर्कल न्यू वाले को भी कर लेता हूँ तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोग भी कर लीजिएगा। सो ये हो जाने के बाद गाइज आप लोग जितना भी एनिमेशन था इसको नन कर लेना है क्योंकि हम लोग जो पहले में एनिमेशन दे दिए थे आप लोग अगर पहले कर रहे हैं तो आप लोग को एनिमेशन ये जो नन करने का ऑप्शन करना नहीं पड़ेगा। तो मैंने कर दिया था इसे कोई दिक्कत नहीं है गाइज चलता है। तो ये हो जाने के बाद गाइज आप लोग को पहले तो मैं यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट कर लेता हूँ गाइज ताकि आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ गाइज आप लोग भी उसी तरह कर लेना है। सो ये हो जाने के बाद गाइज आप लोग को जहाँ से ये जो रेक्टेंगल पीएनजी हम लोग की आती है वहीं से आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप लोग को लेयर पीएनजी में आ जाना है। सो यहाँ से मैं मीडिया लेयर पे आ गया हूँ और यहाँ से आ जाने के बाद गाइज आप लोग जो भी टेक्स्ट पीएनजी बनाए थे उसको इम्पोर्ट कर लेना है जैसे कि थैंक्स फॉर वॉचिंग और गाइज इसको कुछ इस तरह से ऊपर में लगा देना है। आप लोग चाहे तो नीचे में भी लगा सकते हैं गाइज लेकिन मैं यहाँ पर ऊपर में लगा रहा हूँ। सो ये हो जाने के बाद गाइज आप लोग को जो हम लोग का सब्सक्राइब वाला भी था उसे भी इंपोर्ट कर लेना है लेकिन उससे पहले आप लोग इसके टाइम ड्यूरेशन को फुल कर लीजिएगा और इन एनिमेशन भी आप लोग को फेड दे देना है। सो उसके बाद गाइज यहाँ से सब्सक्राइब वाला भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट कर देने के बाद गाइज आप लोग इसको भी कुछ इस तरह से अपने जो सर्कल पेन है उसके नीचे यहाँ पर लगा लेना है गाइज सर्कल नियोन वाला पता नहीं मैं बार बार क्यों पीएनजी बोल दे रहा हूँ। सो यहाँ पर सर्कल सब्सक्राइब वाले पर लगा लेना है और इसके भी टाइम ड्यूरेशन को फुल कर देना है और ये हो जाने के बाद गाइज हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग वाली करेंगे जो लाइटिंग पीछे से आएगी तो वो कर लेने के लिए गाइज आप लोग को यहाँ से ऐड लेयर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो जैसे कि पहले तो मैं यहाँ पे जब हम लोग का लोगो एकदम नीचे आ जाएगा गाइज और ये सब दिखने लगेगा तभी आप लोग को यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आ जाने के बाद गाइज आप लोग को यहाँ से एक लाइटिंग पीएनजी मिल जाएगी उसे इंपोर्ट कर लेना है और इंपोर्ट करने के बाद गाइज आप लोग कुछ इस तरह से इसे रोटेट कर देना है और रोटेट करने के बाद आप लोग इसके साइज़ को इंक्रीज कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और इंक्रीज कर देने के बाद गाइज आप लोग को कुछ इस तरह से साइड में इसे रख लेना है अभी के लिए और साइड में रख लेने के बाद गाइज आप लोग इसके टाइम ड्यूरेशन को भी थोड़ा हाफ कर लीजिएगा इस फुल मत कीजिएगा हाफ कर लीजिएगा और ये कर लेने के बाद गाइज आप लोग यहाँ से की एनिमेशन में आ जाना है और सबसे लास्ट पॉइंट पर आ जाना है गाइज और कुछ इस तरह से अपने जो लाइट पेन है उसको स्लाइड करते जाना है। तो जिसके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोग भी इसी तरह स्लाइड करते जाइएगा। सो ये हो चुका है गाइज आप लोग इसके बाद आप लोग इसके ब्लेंडिंग मोड उसके पहले गाइज आप लोग यहाँ से डुप्लीकेट बना लेना है और डुप्लीकेट बनाने के बाद गाइज आप लोग इसके राइट साइड में रख लीजिएगा कुछ इस तरह से और गाइज इसके ब्लेंडिंग मोड को आप लोग को दे देना है ओवरले। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे गया हूँ और गाइज इसको भी आप लोग को दे देना है ओवरले। तो दोनों को मैं ओवरले कर लेता हूँ। सो ये करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का कैसा लग रहा है। सो गाइज कुछ ज़्यादा साइन नहीं आ रहा है लेकिन उसको ठीक करने के लिए गाइज हम लोग इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे तो डुप्लीकेट बना लेते हैं। सो अभी देख सकते हैं गाइस बहुत ही अमेजिंग सा एकदम लुक आ रहा है लेकिन गाइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो हम लोग जो नीचे वाली लेयर था उसका हम लोग ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 50 के अराउंड रख लेता हूँ गाइस 58 के अराउंड और यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। सो अभी देख सकते हैं गाइस एकदम अच्छा सा एकदम क्लासिक सा जो पीछे से फ्लेयर आ रही है और उधर जा रही है लाइटनिंग एकदम मस्त लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद गाइस आप लोग जो नीचे वाली लेयर को जो हम लोग डुप्लीकेट किए थे उसका भी एक डुप्लीकेट बना के आप लोग राइट साइड में रख लेना है जिसकी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एकदम सेम आप लोग को वैसा ही कर लेना है जैसे कि आप लोग जो पहले वाले साइड किए थे। तो ये हो जाने के बाद गाइज आप लोग को
यहाँ पे डुप्लीकेट बनाते जाना है, तो जैसे पूरा फुल स्क्रीन पे ले आना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर लिया हूँ, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे गाइस, आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। सो ये हम लोग का बन के रेडी हो चुका है गाइस, कितना अमेजिंग लग रहा है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग इसके अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो अगर दैट इट्स फॉर टुडे गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, मैं इसी तरह की कंटेंट की क्यों यहाँ पे करते रहता हूँ। और आप लोग कुछ डाउट होगा तो वहाँ पे आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं।